हे दोस्तों, टॉफा हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है साहिद और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की उन फिल्मों के बारे में जिन्हें रॉटन टोमेटो पर 100% की रेटिंग मिली है। जी हाँ, अगर आप हॉलीवुड फिल्मों के शौकीन हैं तो आपने रॉटन टोमेटो का नाम तो जरूर सुना होगा, जो कि IMDB ही की तरह एक मूवी रेटिंग साइट है जहां क्रिटिक्स के साथ लोग अपनी फिल्मों का अनुभव शेयर करते हैं और हमें पता चलता है कि क्रिटिक्स के साथ लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आई है। जब बात अच्छी फिल्मों की आती है तो आपने उन पर 80, 90 या फिर 95% की रेटिंग देखी होगी, पर कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जिन्हें क्रिटिक्स की तरफ से पूरे 100% की रेटिंग मिली है, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिन्हें रॉटन टोमेटो पर पूरे 100% की रेटिंग मिली है। फूल हूँ गुलाब का, चमेली का मत समझना, आशिक हूँ आपका, अपनी सहेली का मत समझना। तो अगर आपको भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस घंटी को भी दबाएं ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। नंबर 5, भोसले। भोसले एक ड्रामा फिल्म थी जिसे 2020 में रिलीज किया गया था। फिल्म में मनोज वाजपेयी लीड रोल में थे, जो कि इस फिल्म में एक बूढ़े आदमी का रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्म की कहानी उतनी भी कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर आप मनोज वाजपेयी सर की रियल एक्टिंग देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। बाकी तो फिल्म की स्टोरी मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगी थी। IMDB पर फिल्म को 6.9 की रेटिंग मिली है। बात करें रॉटन टोमेटो की तो यहाँ क्रिटिक्स के साथ ऑडियंस ने इस फिल्म को पूरे 100% रेट किया है, जो कि काफी बड़ी बात है। नंबर 4, फना। आमिर खान के करियर की सबसे जबरदस्त फिल्मों में से एक फना मूवी को शायद ही किसी ने नहीं देखा होगा। वैसे अगर किसी ने इस फिल्म को मिस भी किया होगा तो इसके गाने और इस फिल्म की शायरी को तो जरूर सुना होगा। 2006 में रिलीज हुई इस फिल्म को कुणाल कोहली ने डायरेक्ट किया था। वहीं फिल्म में आमिर खान के साथ काजोल, ऋषि कपूर और किरण खेर नजर आए थे। फिल्म ब्लॉकबस्टर थी जिसे IMDB पर 7.2% की रेटिंग मिली है। बात करें रोटेन टोमेटो की तो यहाँ क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को पूरे 100% की रेटिंग मिली है, लेकिन ऑडियंस स्कोर 78% है, जो कि काफी अच्छा है। हमसे दूर जाओगे कैसे, दिल से हमें बुलाओगे कैसे, हम वो खुशबू हैं जो सांसों में बसते हैं, खुद की सांसों को रोक पाओगे कैसे। नंबर 3, अशोका। 2001 में रिलीज हुई शाहरुख खान की हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म अशोका को संतोष सिवान ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी सम्राट अशोका के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें शाहरुख खान अशोका के रोल में नजर आए थे। सम्राट अशोका की जिंदगी के कुछ बेहतरीन पलों को इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। 2001 में रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट थी, जिसे IMDB पर 6.5 की रेटिंग मिली है। बात करें रॉटन टोमेटो की तो क्रिटिक्स की तरफ से फिल्म को पूरे 100% की रेटिंग मिली है, वहीं ऑडियंस की तरफ से फिल्म को 69% की रेटिंग मिली है। मतलब कि फिल्म को लोगों की तरफ से मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन फिल्म काफी अच्छी है, जो अगर आपने नहीं देखी है तो आपको जरूर देखनी चाहिए। नंबर 2, कहानी। कहानी एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी जिसमें विद्या बालन लीड रोल में थी। फिल्म की कहानी विद्या की है, जो अपने पति को ढूंढने के लिए कोलकाता आई हुई है। अब वो इतने बड़े शहर में कैसे अपने पति को ढूंढती है और उसके साथ क्या क्या होता है, यही फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म काफी जबरदस्त है, जिसमें विद्या बालन ने बहुत ही गजब की एक्टिंग की है और डायरेक्टर सुजोय घोष, जिन्होंने इस फिल्म को बहुत ही खूबसूरती के साथ डायरेक्ट किया है। 2012 में रिलीज हुई ये फिल्म ब्लॉकबस्टर थी, जिसे IMDB पर 8.1% की रेटिंग मिली है। वहीं रॉटन टोमेटो पर क्रिटिक्स की तरफ से पूरा 100% की रेटिंग मिली है, वहीं ऑडियंस स्कोर 88% है। मुझसे रोज वो यहीं से बात करते थे सर। क्या सर 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 लगा रखा है, मुझसे बात कीजिए ना। नंबर 1, थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स के बारे में तो जितनी बात करें कम है, क्योंकि ये उन फिल्मों में से है जिसे हर किसी ने देखा होगा। 2009 में रिलीज हुई इस फिल्म को जाने माने डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया था। वहीं फिल्म में आमिर खान, सरमन जोशी और आर माधवन लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म ब्लॉकबस्टर थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर काफी तगड़ी कमाई की थी। इस फिल्म को IMDB पर 8.4 की रेटिंग मिली है। वहीं रॉटन टोमेटो पर क्रिटिक्स की तरफ से पूरे 100% की रेटिंग मिली है और ऑडियंस की तरफ से 93% की रेटिंग मिली है, जो कि काफी जबरदस्त है। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, उसको बोलो कोई बात नहीं चाचू, सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल।
तो दोस्तों ये थी बॉलीवुड की वो फिल्में जिन्हें रॉटन टोमेटो पर क्रिटिक्स की तरफ से पूरे 100% की रेटिंग मिली है, वहीं ऑडियंस की तरफ से भी काफी अच्छी रेटिंग मिली है। तो आपको इन फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक और ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।